नमस्कार, आप सबका स्वागत है। यहाँ दहेज में इनोवा गाड़ी न मिलने पर नई दुल्हन एक महीने तक घर में बंधक बनाकर रखा गया। मामले की जानकारी होते ही दुल्हन के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ससुराल से पीड़िता को छुड़ा कर ले आई। तबीयत खराब होने के चलते उसे जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बरहेज थाना क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिक मालकेश्वर तिवारी ने अपनी बेटी प्रेमशिला की शादी 23 अप्रैल 2017 को रामपुर कारखाना में घनश्याम से की थी। घनश्याम पेशे से भारतीय जीवन बीमा निगम का गाजियाबाद में कैशियर है। आरोप है कि शादी के एक महीने तक प्रेमशिला को ससुराल में बेटी की तरह रखा गया। उसके बाद दुल्हन के पिता पर इनोवा कार खरीदने का दबाव बनाया जाने लगा। मालकेश्वर ने आर्थिक असमर्थता जाहिर कर गाड़ी खरीदने से मना कर दिया। इसके बाद ससुराल वाले धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर दिए। छोटी सी बात पर मारना पीटना शुरू कर दिए। इसके बाद प्रेमशिला को एक टूटे फूटे कमरे में एक महीनों तक बंद कर दिया। उसे समय से खाना पानी नहीं दिया जा रहा था। एक दिन मौका मिला तो पड़ोसी से मदद लेकर अपने माँ के वालों को सूचना दी। उन्होंने आनन फानन में पुलिस की मदद लेकर अपनी बेटी को छुड़वाया। लड़की की हालत गंभीर होने पर उसे जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पीड़िता ने कहा, शादी के बाद सब अच्छा था। उसके बाद ससुराल वाले दहेज में इनोवा कार की डिमांड करने लगे। पापा ने मना किया तो मारना पीटना शुरू कर दिया। जब इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया। खाना भी देना बंद कर दिया। पड़ोसी की मदद घर पर सूचना दी। हमें पुलिस ने उनकी चुंगल से छुड़ाया। देवरिया पुलिस अधीक्षक राकेश शंकर ने कहा, महिलाओं पर अत्याचार की सूचना मिलते ही हमारी टीम उनका रेस्क्यू करती है। मामले की जानकारी होते ही इनका भी रेस्क्यू ऑपरेशन कराया गया। मामले की जांच कर संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी।